Welcome to my YouTube channel. Dear friends, today I am discussing the part second of William Shakespeare's famous play, namely The Tempest. I have already discussed the part first of this play in the previous video. I hope you might have watched that video and enjoyed learning. If you haven't watched that video, I suggest you to watch that video first, because only then you can understand this video. Now let us start. At the end of the previous video, we saw Prospero told Ariel what he should do. In a पिछले वीडियो के आखिर में हमने देखा प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा कि उसे क्या करना है और किस तरह करना है. एंड आई वी वेंट एरियल हैप्पी लवर. एरियल वहां से काफी खुश होकर निकले टू द पैलेस, उस जगह पर वेयर फेडरनट सेट, जहां पर फेडरनट बैठा था. वीपिंग ओवर हिज फादर्स डेथ, फेडरनट रो रहा था अपने बाप की मौत पर. उससे लग रहा था कि उसका बाप यानी द किंग ऑफ नेपल्स जो है वो मर गया है, वो डूब गया है, इसलिए वो रो रहा था. नाउ लेट अस सी द टेक्स्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्ले. Remaining invisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. Remaining invisible, invisible means disappear, जो आंखों को नजर ना आए, जो आंखों से ओझल हो, जो गायब हो. यानी एरियल ने गायब होकर, गायब रहकर एक खूबसूरत गीत गाया और फेडरनट को उस जगह पर पहुंचाया जहां पर प्रॉस्पेरो और मिरांडा थे. What's that, father? asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. जब मिरांडा ने फेडरनट को दूर से देखा, जब मिरांडा ने फेडरनट को फासले से देखा, कुछ फासले, उस वो काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसने आज तक किसी जवान इंसान को नहीं देखा था. और उसने हैरान होकर अपने बाप से कहा, व्हाट इज़ दैट फादर, ये क्या है फादर. इज इट अ स्पिरिट, क्या ये कोई स्पिरिट है. इट हैज़ अ नोबल एंड ब्यूटिफुल अपीयरेंस, इसकी काफ़ी अजीम और खूबसूरत शक्ल है. मिरांडा एज यू नो, मिरांडा जैसे कि आप जानते हो, हैड नॉट नोन व्हाट अ यंग मैन लुक्ड लाइक, उसे ये मालूम नहीं था, उसे ये पता नहीं था कि एक जवान इंसान दिखने में कैसा लगता है. एंड मोर और इसके अलावा, फेडरनट वाज अ हैंडसम यंग मैन, फेडरनट एक खूबसूरत जवान आदमी था. सीइंग मिरांडा, फेडरनट थॉट दैट शी वाज द गॉडेस ऑफ दिस आइलैंड ऑफ वंडर्स. जब फेडरनट ने मिरांडा को देखा, वो भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि शायद मिरांडा गॉडेस हैं इस हैरानकुन आइलैंड की, जिस आइलैंड पर उसने अभी अभी एरियल की अजीब आवाज़ में, मेलोडियस आवाज़ में गाना सुना था. ही फेल ऑन हिज नीज, सॉरी ऑन हर नीज, वो उसके घुटनों पर पड़ गया. एंड बिगन टू स्पीक टू हर, और उसके साथ गुफ्तगू करने लगा, उसके साथ कलाम करने लगा. एज टू अ गॉडेस, जैसे कि वो किसी गॉडेस से कलाम कर रहा हो. यू कैन इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही हर्ड हर से स्वीटली इन हिज ओन लैंग्वेज, सो आई एम नो गॉडेस बट अ सिंपल गर्ल. आप खुद ये तस्वर में ला सकती हो, वो कितना हैरान हुआ होगा जब उसने मिरांडा को ये कहते हुए सुना, उसकी अपनी ही जबान में, बड़ी मीठी जबान में. सो आई एम नो गॉडेस, जनाब मैं गॉडेस नहीं हूँ, बट अ सिंपल गर्ल, बल्कि मैं एक सादा लड़की हूँ. प्रॉस्पेरो वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड दैट द टू यंग मैन हैड फॉलन इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट. प्रॉस्पेरो ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया जब उसने देखा कि दो जवान लोगों को आपस में मोहब्बत हो गई, दो जवान लोगों को आपस में इश्क हो गया पहली ही नज़र में. बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फेडरनट्स लव, मगर फेडरनट की इस मोहब्बत को, फेडरनट के इश्क को आजमाने के लिए, ये देखने के लिए कि फेडरनट क्या हकीकी तौर पर, क्या सच में मिरांडा से मोहब्बत करता है, उसको आजमाने के लिए प्रिटेंडेड प्रॉस्पेरो, प्रिटेंडेड प्रॉस्पेरो ने दिखावा किया टू थिंक, इन्हें जैसे कि वो सोच रहा है दैट द यंग मैन वाज अ सिपाही, के यंग मैन इन्हें फेडरनट एक जासूस हैं. कम अलॉन्ग यंग मैन, ही सेड रफली, उसने उसी बुरी तरीके से कहा, कम अलॉन्ग यंग मैन, आ मेरे साथ जवान आदमी, यू आर ए सिपाही, आप एक जासूस हो, हु हैज़ कम टू स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी, जो यहाँ पर मुझसे इस आइलैंड को चोरी करने के लिए आया है. यू आर नाउ माई प्रिजनर, आप अब मेरी कैदी हो. फेडरनट ट्राई टू रेजिस्ट, फेडरनट ने खुद को बचाने की कोशिश की. एंड ड्रीव हिज स्वॉर्ड, और उसने अपनी तलवार बाहर खींची. बट वेविंग हिज मैजिक वैंड, प्रॉस्पेरो फिक्सड हिम टू द स्पॉट बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक, मगर अपनी जादू की छड़ी को उसने को लहराते हुए प्रॉस्पेरो ने अपने जादू की कुव्वत से प्रॉस्पेरो फेडरनट को एक ही जगह पर बंद किया. मिरांडा हंग अपॉन हर फादर, मिरांडा अपने फादर को पीछे पड़ गई, वो इसको गले पड़ गई. एंड प्लीडेड फॉर फेडरनट, और फेडरनट की फेडरनट के लिए रहम तलब करने लगी, फेडरनट के लिए रहम मांगने लगी. प्लीज़ डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट फादर, मेहरबानी करके उसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए.
फादर ही कैन नॉट बी अ स्पाई, वो एक जासूस नहीं हो सकता है. ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो जासूस नहीं लगता है. साइलेंस सेड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो ने कहा खामोश. आर यू ट्राइंग टू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हो, आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो. परहैप्स यू थिंक ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अर्थ, शायद आपको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स ज़मीन पर हैं. बिकॉज यू हैव सीन ओनली केलेबान एंड मी, ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने खाली केलेबान और मुझे देखा है. कंपेयर टू केलेबान, अगर हम इसका तकाबुल केलेबान से करेंगे, ही सीम्स हैंडसम एनफ, फिर ये काफ़ी हैंडसम लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है. बट कम्पेयर टू अदर मैन, मगर अगर हम इसका तकाबल बाकी लोगों से करेंगे, ही इज़ ए केलेबान, फिर इसकी शक्ल केलेबान जैसी है, फिर ये ज़्यादा खूबसूरत आपको नहीं लगेगा. देन माई डिज़ायर्स आर मोस्ट हम्बल, रिप्लाइड मिरांडा, फिर मेरे जो ख्वाहिशात हैं काफ़ी आजिज हैं, यानी फिर मैं तकबर का शिकार नहीं हूँ. आई डो नॉट विश टू सी अ हैंडसमर पर्सन, मैं नहीं चाहती हूँ, ये मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत शख्स चाहिए. कम अलॉन्ग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फेडिनेंड, प्रॉस्पेरो ने फेडिनेंड से कहा आ मेरे साथ जनाब. लीडिंग हिम, उसने उसे बाहर निकाला. फेडिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ प्रॉस्पेरोस मैजिक, फेडिनेंड के पास इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं कि वो प्रॉस्पेरो की मैजिक की ताकत के सामने टिक सके या कुछ कर सके. एंड ही हैड टू फॉलो, इसलिए वो हेल्पलेस था, इसलिए उसको प्रॉस्पेरो का मानना पड़ा. ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने खुद से कहा माई मिस फॉर्चून एंड दिस अनकाइंड ट्रीटमेंट वुड ऑल बी नथिंग टू मी इफ़ फ्रॉम माई प्रेजेंट विंडो आई कुड सी दिस गर्ल वंस अ डे. हाँ, उसने खुद से कहा मेरी ये जो बदनसीबी हैं और मेरे साथ ये जो बुरा बर्ताव हो रहा है, अनकाइंड ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट मीन्स बर्ताव, वुड ऑल बी नथिंग टू मी, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है इफ़ अगर फ्रॉम माई प्रेजेंट विंडो, अगर मैं अपने कैद खाने की खिड़की से आई कुड सी दिस गर्ल, अगर मैं वहाँ से इस लड़की को देख सकूँ, वंस अ डे, दिन में एक बार. प्रॉस्पेरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हेवी लॉग्स, प्रॉस्पेरो ने इससे काफ़ी मुश्किल काम दे दिया. उसने उसे कहा कि आप हैवी लॉग्स, भारी लॉग्स को जमा कीजिए. पाइलिंग मीन्स गैदरिंग या एक जगह पर जमा करना. मैंने प्रॉस्पेरो ने फेडरनट को ये मुश्किल काम सौंप दिया कि वो हैवी लॉग्स को जमा करे. मिरांडा स्टोल आउट ऑफ हर रूम टू सी हिम एट वर्क, मिरांडा अपने कमरे से चोरी छुपे बाहर निकली उस जगह पर जहाँ पर फेडनर काम कर रहा था. एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट हिम, और उसकी मौजूदगी से यानी मिरांडा की मौजूदगी से जो प्रॉस्पेरो का जो लेबर था, उसका जो मुश्किल काम था, वो उसे हल्का लगने लगा. अलास सर, शी सेड, जब वो मिरांडा वहाँ पर पहुँचे, उसने उससे कहा, फेडनर से कहा अफसोस जनाब. शी सेड, उसने कहा प्लीज सिट डाउन, मेहरबानी करके बैठिए, तशरीफ रखिए एंड रेस्ट एवर, थोड़ा आराम कीजिए. आई विल कैरी योर लॉग्स इन द मीन टाइम, इस दौरान मैं आपकी इन लॉग्स को उठाऊंगी. आई क्वाइट लाइक इट, मुझे काम काफ़ी पसंद है. लेट मी कैरी योर लॉग्स, आप मुझे ये काम करने दीजिए, मुझे ये लॉग्स उठाने दीजिए. माई फादर इज़ एट हिज स्टडीज़, मेरा फादर इस वक्त पढ़ने में मसरूफ़ है, वो तहकीक में मसरूफ़ हैं. सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 hours, वो हमारे रास्ते से दूर हैं अगले 3 घंटों के दौरान. इन फैक्ट प्रॉस्पेरो वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, मगर हकीकत में प्रॉस्पेरो ये हर वक्त सब कुछ देख रहा था फासले से, यानी दूर से. वॉचिंग हिज डॉटर विथ अम्यूजमेंट, वो अपनी बेटी को देख रहा था खुशी के साथ. अम्यूजमेंट मीन्स एंटरटेनमेंट, तफरी, खुशी एंड सिंपथी और हमदर्दी के साथ. नो माई प्रेशियस क्रिएचर, रिप्लाइड फेडिनेंड, फेडिनेंड ने कहा नहीं मेरे अनमोल जानदार शाही, नहीं मेरी अनमोल चीज़, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा. ऑफकोर्स दिस लव टॉक डिड नॉट हेल्प द वर्क ऑफ पाइलिंग अप हेवी लॉग्स, बेशक ये जो प्यार की गुफ्तगु हो रही थी या प्यार की गुफ्तगु मिरांडा और फेडिनेंड के दरमियान हुई, उससे जो काम था फेडिनेंड का यानी हेवी लॉग्स को जमा करने का, वो वहीं पर रह गया. बट मगर फेडिनेंड मैनेज टू टेल मिरांडा, फेडिनेंड ने किसी तरह से मिरांडा को वो कहने में कामयाब हो गया हाउ ही लव्ड हर, कि वो किस तरह उस या कितना मोहब्बत उसके साथ करता है, उससे कितनी मोहब्बत है उसके साथ, बेटर देन एनी वन एल्स, बाकी लोग सब लोगों से ज़्यादा जिनको भी उसने आज तक देखा है. एज़ फॉर मिरांडा, अब जहाँ तक मिरांडा का ताल्लुक है,
شی کوڈ ناٹ امیجن وہ تصور میں نہیں ہلا سکتی تھی کسی شخص کو ہوم شی کوڈ لو مور جسے وہ زیادہ محبت کر سکے کیونکہ اس نے کسی اور جوان انسان کو نہیں دیکھا تھا پراسپیرو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو ٹرائی فیڈرنیٹ فردر اور پراسپیرو نے ارادہ کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فیڈرنیٹ کو مزید نہیں آزمائے گا اینڈ سون ریلیزڈ ہم اور اس نے اس کو جلدی چھوڑ دیا فرام ہز ہارٹ جو اس نے اس کو سخت کام دیا تھا دا ٹرائلز یو انڈر گون ویئر ٹیسٹ آف یور لو جن آزمائشوں سے آپ گزر رہے تھے یہ آپ کو محبت کی آزمائش تھی سیڈ پراسپیرو پراسپیرو نے کہا ٹو دا گریٹ جوائے سرپرائز آف فیڈرنیٹ یہ سن کر فیڈرنیٹ کافی زیادہ خوش ہو گیا اور کافی زیادہ حیران ہو گیا ایز یو ریوارڈ آپ کی انعام میں آئی گیو یو مائی ڈاٹر میں آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں انہیں میں آپ کو اپنی بیٹی انعام میں دیتا ہوں ہو از مائی موسٹ پریشیس کریچر جو میری سب سے انمول چیز ہیں سب سے انمول تھنک ہیں مائی بلیسنگس آر ود یو بوتھ میری بلیسنگ آپ دونوں کے ساتھ ہیں ان دا مین ٹائم دا کنگ آف نیپلز اینٹونیو گونزیلو ہو واز ان دا کنگس پارٹی اینڈ ادرس ویئر وانڈرنگ اباؤٹ آن دا آئیلینڈ اس اسنا کے دوران جو کنگ آف نیپلز تھا اور جو اینٹونیو تھا اور جو گونزیلو تھا جو بادشاہ کی جماعت میں تھا اینڈ ادرس اور باقی جو لوگ تھے وہ گھوم رہے تھے آئیلینڈ پر ٹائرڈ آؤٹ وہ بیچارے تھکے تھے اینڈ ہنگری اور بھوکے تھے دے سیٹ ڈاؤن ٹو ریسٹ وہ بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے ایریل پٹ انوائٹنگ فوڈ بیفور دیم ایریل نے ان کے سامنے دعوتی غذا رکھا یعنی ان کو آمادہ کیا غذا کھانے کے لیے ان کے سامنے غذا ظاہر کیا بٹ وین دے ٹرائی ٹو ایٹ اٹ مگر جب انہوں نے کوشش کی اس غذا کو کھانے کی کوشش کی اٹ ڈسپیئرڈ سڈنلی یہ غذا اچانک غائب ہو گیا سڈنلی مینس انسٹنٹلی یعنی اچانک ایریل اپیئر ٹو دیم ایریل ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ان کے سامنے نمودار ہو گیا وتھ تھنڈر اینڈ لائٹ گرج کے ساتھ اور بجلی کے ساتھ ویل دے سٹڈ امیزڈ ایٹ دی سائٹ یعنی اس منظر کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو گئے پھر ہی سیڈ ٹو اینٹونیو اینڈ دی کنگ پھر ایریل نے اینٹونیو اور بادشاہ سے کہا یو آر ٹو مین گلٹی بفور گاڈ اینڈ مین آپ دو لوگ خدا کے سامنے اور انسان کے سامنے گلٹی ہو مجرم ہو گناہ گار ہو تھنک آف یور ایول ڈیڈس آپ اپنے کرتوت کے بارے میں سوچیں تم اپنے کرتوت کے بارے میں سوچو اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچو اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو ریممبر ہاؤ کروولی یو ٹریٹڈ پراسپیرو اینڈ ہز انوسنٹ چائلڈ آپ یاد کیجئے کس طرح ظالمانہ طریقے سے آپ نے پراسپیرو کے ساتھ برتاؤ کیا اور اس کی معصوم بچہ کے ساتھ برتاؤ کیا انوسنٹ مینس انفیلیبل بے گناہ یعنی معصوم جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یعنی ایریل نے ان سے ان کی غلطیاں یاد دلائی اٹ واز اے ٹیریبل کرائم یہ کافی خطرناک جرم تھا گناہ تھا آل دیٹ یو ہیو انڈر گون از گاڈس پنشمنٹ فار یور کرائمز جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے سزا ہیں فار یور کرائمز جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کے لیے ان کے عوض میں اف یو ڈو ناٹ سنسیئرلی ریپینٹ اگر آپ آنیسٹلی ریپینٹ نہیں کرو گے سنسیئرلی مینس آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ ریپینٹ نہیں کرو گے ریپینٹ مینس ریگریٹ فرام رانگ ڈوئنگ اگر آپ توبہ نہیں کرو گے آف یور ایول ڈیڈس جو آپ نے غلط کام کیے ہیں جو آپ نے کرتوت کیے ہیں دیر از ورس ان اسٹور فار یو آپ کے لیے یا آپ کی اس سے بھی بدتر حالت ہونے والی ہیں آپ کے لیے اور برا ہونے والا ہیں دین ایریل ڈسپیئرڈ ان تھنڈر پھر ایریل پھر سے غائب ہو گیا گرج میں اینڈ لائٹنگ اور بجلی میں لیونگ دیم آلموسٹ میڈ ان کو اس نے لگ بھگ پاگل کر کے چھوڑ دیا وتھ فیئر خوف سے اینڈ دیئر سینس آف گلٹ اور ان کو جو شرمندگی کا احساس ہوا جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان کے لیے ان پر ناؤ دے ہیو سنسیئرلی ریپینٹڈ وی نیڈ ناٹ پنش دیم فردر سیڈ پراسپیرو ٹو ایریل اب چونکہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ توبہ کیا اپنی غلطیوں سے وی نیڈ ناٹ پنش دا فردر اس لیے ہمیں ان کو مزید سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے پراسپیرو نے ایریل سے کہا ایریل لیڈ دیم ٹو دا پلیس پھر ایریل نے ان کو اس جگہ پر پہنچایا اس جگہ پر لایا ویئر پراسپیرو واز جہاں پر پراسپیرو تھا وین دیس آ پراسپیرو جب انہوں نے یعنی جب کنگ آف نیپلز اینٹونیو اور باقی لوگوں نے جب پراسپیرو کو دیکھا دے ویئر سو امیزڈ وہ اتنے حیران ہوگی دیٹ ایٹ فسٹ دے کوڈ ناٹ بلیو دیئر آئز کہ پہلے وہ اپنی آنکھوں کو یقین نہیں دے سکے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید پراسپیرو کب کا مر چکا ہیں
द किंग एग्री टू रेस्टोर द ड्यूकडम टू द प्रॉस्पेरो। अब बादशाह ने इस बात को मान दिया कि वो उस बादशाह ने ये मान लिया कि वो प्रॉस्पेरो को उसका जो ड्यूकडम है उसे वापस करेगा। एंड प्रॉस्पेरो ऑन हिज पार्ट, और प्रॉस्पेरो ने अपनी तरफ से फॉरगिव द किंग ऑल दैट वाज पास, उसने बादशाह को माफ़ किया, उसने उसको दरगुजर किया जो कुछ भी माजी में हुआ उसके लिए। द किंग टोल्ड प्रॉस्पेरो हाउ दे हैड बिन शिपरेकड, बादशाह ने प्रॉस्पेरो से कहा कि उनका जहाज़ किस तरह तबाह व बर्बाद हो गया, एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फेडन, और उसने किस तरह फेडनट को खो दिया, हिज डियर सन, जो कि उसका अजीज बेटा था, उसका प्यारा बेटा था, इन दरिया को उस तबाही में। आई एम वेरी सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस, सेड प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो ने कहा मुझे काफ़ी मायूसी हो गई आप कि आपको ये सुनकर कि आपने फेडनर को खो दिया। आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट, मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया इस तूफान में। इन ए सेंस प्रॉस्पेरो वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, एक तरह से अगर देखा जाए प्रॉस्पेरो सच बोल रहा था, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फेडनर, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खो दिया जो कि फेडनर के साथ हो गई, जिसको फेडनर के साथ मोहब्बत हो गया। हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव, सैड द किंग, बादशाह ने कहा काश वो दोनों जिंदा होते, टू बी किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स, एक को हम बादशाह बनाते और दूसरा मलिका बनती नेपल्स की। प्रॉस्पेरो टुक द पार्टी इन टू हिज केव, और प्रॉस्पेरो ने इस तमाम लोगों को, तमाम जमात को अपनी गार में ले लिया, एंड शोड द फेडिनेंड मिरांडा, और सबको अब फेडिनेंड और मिरांडा दिखाया, हु वेयर प्ले हैप्पीली प्लेइंग चेस, जो खुशी के साथ शतरंज खेल रही थी। ओह वंडर, सैड मिरांडा व्हेन शी सॉ सो मेनी पीपल टुगेदर, जब मिरांडा ने बहुत सारे लोग एक साथ देखे वो काफ़ी हैरान हो गई, और उसने कहा ओह वंडर हाउ मेनी वंडर पीपल पीपल देयर आर, कितने हैरान कुन लोग हैं यहाँ पर, हाउ ब्यूटिफुल मैन काइंड इज, कितनी खूबसूरत इंसानियत हैं। गंजेलो, गंजेलो जो था द काइंड ओल्ड मैन, जो मेहरबान बूढ़ा आदमी था, हु हैड हेल्प्ड प्रॉस्पेरो, जिसने प्रॉस्पेरो को मदद की थी, जिसने प्रॉस्पेरो की मदद की, वेप्ट फॉर जॉय, वो रोने लगा टू सी दिस सीन ऑफ रिकॉन्सिलेशन, जब उसने इस मिलाप के मंजर को देखा, जब उसने इस सलाह के मंजर को देखा। प्रॉस्पेरो ब्रोक हिज मैजिक वैंड, प्रॉस्पेरो ने अपने जादू की छिड़ी तोड़ दी, एंड ब्यूरीड हिज बुक्स, और अपनी जो उसकी किताबें थी उनको दफन किया, ऑफ मैजिक, जादू की किताबों को दफन किया, बिकॉज ही हैड नो फर्दर यूज़ फॉर देम, क्योंकि उसे अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ही सेट एरियल फ्री, इसने एरियल को आज़ाद कर दिया, एज ही हैड प्रोमिस, जैसे कि उसने उसके साथ वादा किया था। एरियल सैंग, एरियल ने गाया, वेयर द बी सक्स देयर सक आई, आई इन ए काउ स्लीप्स बेल आई लाई, देयर आई काउच व्हेन ओल्स डू क्राई, ऑन द बैट्स बैक आई डू फ्लाई, आफ्टर समर मेरिली 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 शैल आई लिव नाउ, अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बाउ। प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल्ड टू नेपल्स, लीविंग कैलिबॉन इन द पोजिशन ऑफ द आईलैंड। प्रॉस्पेरो और जो बाकी जमात थी, बाकी लोग थी, वो सारी अब नेपल्स गई कश्ती में, और जो आइलैंड था वो उन्होंने कैलिबॉन को दे दिया मिल्कियत में। एरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड्स, एरियल ने उनको मददगार लहरें पैदा करके मदद किया। दैट वॉज इज लॉस्ट सर्विस टू मास्टर, ये उसकी आखिरी खदमत थी अपने मालिक के लिए, ये उसकी आखिरी खदमत थी एरियल के लिए। दैट्स इट डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।